टीकमगढ़ में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने मांग की है कि उनके स्कूल को पुराने भवन में स्थानांतरित किया जाए। छात्राओं ने मांगे नहीं माने जाने पर शहर बंद की चेतावनी भी दी है। स्कूल पुराने भवन में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि करीब 2 साल पहले कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल को डोंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब जब पुराने भवन को नया कर दिया गया है तो फिर नए भवन में हाई सेकेंडरी स्कूल को स्थानांतरित क्यों नहीं किया जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज किसी भी तरह से छात्राओं के लिए ठीक नहीं है। एक तो शहर से यह दूर है, दूसरा स्कूल के पास ही शराब की दुकान है जहां पर हमेशा छात्राओं पर असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है, जिसकी वजह से आने वाली छात्राएं स्कूल जाने से बचती हैं। इसलिए उनके स्कूल को फिर से पुराने भवन में स्थानांतरित किया जाए, नहीं तो शहर बंद किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।